तुम जिस समय पैदा हुए हो दुनिया का सबसे सुंदर समय, तुम जिस जगह पैदा हुए हो दुनिया की सबसे अच्छी जगह, तुम जो काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। पहले लोगों ने क्या किया था ये भूल जाओ। मेरे से भी लोग कहते थे, मैं जब आया कवि सम्मेलनों में आज से 30 साल पहले, तो मेरी एक दोस्त थी, कवित्री थी, कविता पढ़ती थी ग्वालियर की, तो मैं गीत भी सुनाता था और हंसाता भी था लोगों को। तो एक जगह है मैयर, जहां सरस्वती देवी का मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां के कवि सम्मेलन में हम लोग थे और मैयर की माँ के सीढ़ियां चढ़ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो वो लड़की मुझसे बोली कि कुमार तू कंफ्यूज आदमी है। मैंने कहा कैसे? बोले तू तय नहीं कर पा रहा है कि तुझे क्या बनना है। उस समय कवि सम्मेलनों के 2 सुपरस्टार पोइट थे, जो सबसे बड़े स्टार थे। मैंने कहा मैं तेरी बात नहीं समझा। बोली तू तय तो कर कि तुझे सुरेंद्र शर्मा बनना है कि गोपालदास नीरज बनना है। मैंने कहा ये तो दोनों बन गए, सुरेंद्र शर्मा बन गया, गोपालदास नीरज बन गए, तो बन गए। बोले तुझे क्या बनना है? मैंने कहा मुझे कुमार विश्वास बनना है। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए डॉक्टर कुमार विश्वास। आज इस हॉल में आप देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है गुड़गांव, और उसके सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से ये है जहां आप बैठे हो। मुझसे अक्सर इंटरव्यू लेने वाले लोग पूछते हैं हिंदी की कविता जो 1100 रुपए में थी, आपने जो पुराने लोग होंगे 1970 और 60 की हिंदी फिल्में देखी होंगी, 1960 की और 70 की हिंदी फिल्मों में जो हीरो होता था, राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हो, एक शायर उनका दोस्त होता था महमूद, जॉनी वाकर, वो गरीब आदमी होता था और उसका एक ही काम होता था कि वो सबको शायरी सुनाना चाहता था और कोई उसकी शायरी सुनना नहीं चाहता था। जब मैंने सन 2000 में ये काम शुरू किया कि मुझे सार्वजनिक रूप से कविताएं सुनानी हैं, तो मैंने उस दिन तय किया कि अब शायर चप्पल में नहीं घूमेगा, अब शायर तांगे में नहीं चलेगा, रिक्शे में नहीं चलेगा, अब शायर मर्सिडीज एस क्लास में चलेगा, चार्टर में चलेगा, और अगर लोगों का दूसरे का गाया हुआ दर्द बिक सकता है तो मेरी जी हुई आत्मा का दर्द महंगा बेचा जाएगा, यह मैंने तय किया। तात्पर्य यह है कि अगर आप तय कर लें कि आपको अपने आप को कैसे प्लेस करना है, मकान तो सब बना रहे हैं, फ्लैट तो सब बना रहे हैं, अलग अलग समूह के कई बिल्डर तो ये सामने बैठे हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में तय कर लें, बनाने वाले आप और बेचने वाले जो पीछे बैठे हैं, कि हमारे बीच का सामंजस्य क्या है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो आगे बैठे हैं सोफे वाले, इनको ये बात पता चलेगी, आप लोग भगवान करे जल्दी जान जाओ, इस देश में 1 करोड़ रुपए महीने कमाना बहुत मुश्किल काम है, घुटने लग जाते हैं साहब। मैं गुजरा हूं इससे, इसलिए मुझे पता है, आप सब तो गुजरे हैं ही, बहुत मुश्किल काम है। 1 लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना, 5 लाख रुपए कमाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 करोड़ रुपए कमाना और नियमित रूप से कमाना मुश्किल काम है। लेकिन जब 15-20 करोड़ रुपए साल कमाने लगो, उससे 300 करोड़ के बिजनेस करना कोई कठिन काम नहीं है। 2 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो, 1 अच्छा एमबीए मैनेजर रखो, 2 साल के अंदर आप 300 करोड़ के टर्नओवर के आदमी हो जाते हैं। क्या काम चल रहा है साहब? इस साल कंपनी का टर्नओवर कितना रहा? 300 करोड़, 400 करोड़, उसमें अपने 10 करोड़ ही हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। अब उस 300 करोड़ के बाद आदमी की जद्दोजहद शुरू होती है, कभी पैर कभी चादर, कभी चादर कभी पैर। प्रोजेक्ट जब आता है, जमीनें ली जाती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, तो चादर छोटी लगती है। प्रोजेक्ट जब बिकना शुरू हो जाता है तो चादर बड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि अब तो मैं अमेरिका में काट दूं प्लॉट, यहां तो क्या लग रहा है भाई। इसी कश्मकश में 40-45 होने के बाद एक दिन शाम के खाने पे यहां थोड़ा दर्द होता है, शुरू शुरू में लगता है कि गैस हो गई, फिर दोस्त कहता है कि दिखा लो डॉक्टर को, तो डॉक्टर बताते हैं कि 2-3 नाली में कचरा जमा हो गया है,
अब तेल छोड़ना पड़ेगा, चिंता छोड़नी पड़ेगी, स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। यहां 50 आते आते जीवन में धर्म उतरना प्रारंभ होता है। फिर आप बच्चों से कहना शुरू करते हैं, बेटा हमने तो कर लिया, अब तो तुम लोग देखो आगे क्या हो सकता है। ये जो थकान है, सोच की थकान है, ये एक ही काम से दूर हो सकती है। उसे आज जीवन में उतार लोगे तो मैं दावा करता हूं कि आप थकान में नहीं आओगे। क्योंकि मैं इस हॉल में खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं। 17 वर्ष की आयु में मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था। आज मैं 54वें वर्ष में काम कर रहा हूं। खड़े होते समय उतनी ही एनर्जी रहती है जितनी आज से 34 साल पहले कवि सम्मेलन में थी, आज भी उतनी है। और कोई नुकसान होने पर उदासी नहीं होती। मेरे 6-7-8 साल का कितना नुकसान हुआ है तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं, लेकिन मेरा चेहरा देख लो और जो उस मलाई का फायदा चाट गया उनका चेहरा देख लो, मेरी प्रसन्नता देख लो और उनके दुख देख लो, मेरे सोशल मीडिया के नीचे तारीफें और आशीर्वाद देख लो और उनके सोशल मीडिया के नीचे गाली देख लो। सूत्र देकर जा रहा हूं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। काम को करना तो आनंद की तरह करना, मकान बनाना, मकान बेचना, फ्लैट बेचना तो ऐसे करना जैसे बैडमिंटन का मैच खेल रहे हो, जैसे घर पे बैठ के शतरंज खेल रहे हो, पत्नी ने पकौड़े बना दिए, 4 दोस्त आ गए। अगर तुमने काम को ये समझ के करा कि बड़ा मुश्किल काम, चाहे ये आपके चेयरमैन हो, चाहे पीछे बैठा हुआ, सबसे पीछे बैठा हुआ वो 100 फ्लैट बेचने वाला मेरा भाई हो, जो भी घर से काम करने निकले ये समझना मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। सदा अपने काम की तारीफ करना, अपनी कंपनी की तारीफ करना। अगर ये कहते रहे कि बड़ा मुश्किल है, बहुत खराब माहौल है, रिसेशन आ गया, अब तो बिकी नहीं रहा, प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया है, तो ये दुख तुम्हारे जीवन में परिणाम दुख ही लाएगा। और अगर किसी ने भी रात को उठा के भी पूछा कि काम कैसा चल रहा है, अरे बड़ी लक्ष्मी की कृपा है, माता की बड़ी कृपा है, रस बरस रहा है, 5 प्लॉट बेच दिए, 6 और बेचूंगा, बहुत शानदार हो जाएगा, आगे चलने वाला हूं, यही सुख तुम्हारे जीवन में सुख बनकर उतर जाएगा। मुझे लोग मिलते हैं दुखी, मैं उनसे कहता हूं कि क्यों दुखी हो, मेरे काम को लेके मुझसे ज्यादा दुनिया दुखी है। एयरपोर्ट पे जाता हूं तो CISF वाला मुझसे कहता है, भाई साहब बड़ा बुरा हुआ, पार्लियामेंट में दिखने चाहिए थे आप। मैं उनका जो दिख रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया। हरियाणा का एक लड़का स्कूल में पढ़ता था 4th क्लास में, एक दिन छुट्टी मार दी, अगले दिन गया तो अध्यापक ने कहा, तू कल क्यों नहीं आया था। बोले गुरुजी कल मन नहीं था। अरे बोले कल भी आना चाहिए था। बोले हाँ गुरुजी नहीं आ पाया था। अरे बोले तुझे कल आना चाहिए था। लड़के को आया गुस्सा, बोले जो कल आए थे उन्हें कौन कलेक्टर बना लिया थे ने, अरे आज पढ़ लूंगा। इतने दुखी लोग हैं। अब मैं कहता हूं जो चला गया, जो नहीं मिला, जिसकी संभावनाएं थी, जो हो सकता था, उसे गिनने की बजाय मैं गिनू कि मुझे मिला क्या। पता नहीं लोग दुखी क्यों हैं। तुम जिस समय पैदा हुए हो दुनिया का सबसे सुंदर समय, तुम जिस जगह पैदा हुए हो दुनिया की सबसे अच्छी जगह, तुम जो काम कर रहे हो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। पहले लोगों ने क्या किया था ये भूल जाओ। मेरे से भी लोग कहते थे, मैं जब आया कवि सम्मेलनों में आज से 30 साल पहले, तो मेरी एक दोस्त थी, कवित्री थी, कविता पढ़ती थी ग्वालियर की, तो मैं गीत भी सुनाता था और हंसाता भी था लोगों को। तो एक जगह है मैयर, जहां सरस्वती देवी का मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां के कवि सम्मेलन में हम लोग थे और मैयर की माँ के सीढ़ियां चढ़ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो वो लड़की मुझसे बोली कि कुमार तू कंफ्यूज आदमी है। मैंने कहा कैसे। बोले तू तय नहीं कर पा रहा कि तुझे क्या बनना है। उस समय कवि सम्मेलनों के 2 सुपरस्टार पोइट थे, जो सबसे बड़े स्टार थे। मैंने कहा मैं तेरी बात नहीं समझा। बोली तू तय तो कर कि तुझे सुरेंद्र शर्मा बनना है कि गोपालदास नीरज बनना है। मैंने कहा ये तो दोनों बन गए, सुरेंद्र शर्मा बन गया, गोपालदास नीरज गोपालदास नीरज बन गए, तो बन गए। बोले तुझे क्या बनना है। मैंने कहा मुझे कुमार विश्वास बनना है। आज तो आपने ताली बजाई, लेकिन उसने मुझसे ये पूछा था ये क्या होता है कुमार विश्वास। एक ब्रांड तो तय करना पड़ेगा।
आज वो मिलती है तो मुझसे कहती है कि हिंदुस्तान का हर कवि लगभग कुमार विश्वास बनने की कोशिश करता है, और जो भी कवि मुझसे पूछता है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं उससे कहता हूं मेरे जैसा मत बन, मैं बन चुका, तू अपने जैसा बन, जो तू है। तो जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं वो सब मॉडल हैं आने वाले कल के लिए, अगर खुद पर काम करना शुरू कर दें। जिन्होंने दुनिया में बड़ा काम करा है उनमें क्या सुरखाब के पर लगे हैं, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम करा है। इस देश में जितने सबसे बड़े लोग हुए हैं पिछले कुछ समय में, उनकी जीवन जाके देखिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने जीवन का कुछ पल बिताया है। तुमसे और हमसे अतिरिक्त सामान्य पृष्ठभूमि में पैदा हुए, पर हरियाणा में बैठे हुए सारे लोगों, इस ग्रुप में बैठे हुए लोगों, मैं तुमसे ये कहने आया हूं, तुम सबके अंदर एक बजरंग बली है, एक हनुमान है, मैं जामवंत हूं जो उसे पहचान दिलाने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। मैं जब भी कोई नया काम शुरू करता हूं, मेरे पिताजी मेरी पत्नी से पूछते हैं कि अब क्या परेशानी है इसे। मेरे पिताजी को मुझ पर सदा शंका रहती है कि यार ये पता नहीं क्या करेगा। मैंने अभी पिछले दिनों कोरोना के दिनों में जो जो काम किया आपने देखा होगा, 2500 जगहों पर कोविड सेंटर खुलवाए, उसी बीच मैंने अपने फार्म हाउस पर एक फिल्म लिख दी। तो मेरे पिताजी ने मेरी पत्नी से पूछा, इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है, इतनी लोकप्रियता है सब दुनिया में, और क्या चाहता है। मेरे दोस्त भी पूछते हैं कि क्या चाहता है हिंदी के कवि को और क्या चाहिए। मैं कहता हूं कि ब्राजील के बीच पर, समुद्र तट पर, जिस दिन ब्राजीलियन लड़कियां सनबात करती हुई कोई दीवाना कहता है गा रही होंगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मैंने आधा काम कर दिया। और आपने देखा कि तंजानिया में कुछ लोग गा रहे थे, वीडियो बड़ा वायरल हुआ, फिलीपींस में कुछ बच्चे गा रहे थे, बड़ा वायरल हुआ। यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। पर हां, इस बीच एक बात और ध्यान रखना, एक शब्द है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, और एक है ग्रीड, लालच। महत्वाकांक्षा अनंत रखना और लालच जीरो रखना, हमने उल्टा कर दिया है। हमारा लालच बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा जीरो हो गई। हमको लगता है इसी में कम जाए, इसी में हो जाए, यहीं से निकाल लें। नहीं, ये मत करो। आप अपनी महत्वाकांक्षा को तो आकाश पर रखना, अपने लालच को जीरो रखना, क्योंकि जो आप नहीं देखते वो ईश्वर देखता है, वो भाग्य देखता है। मैं अपने जीवन में जनता की नजरों में 3 बार 3 जगहों से पराजित हुआ हूं, और 2 बार जब पराजित हुआ, 3 बार जब पराजित हुआ, तीनों बार उन पराजयों ने मुझे ज्यादा बड़ी चीजें दिलाई। इसलिए अगर कोई नुकसान हो जाए आप लोगों, कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए, किसी में आपकी रिकवरी कम आए, तो यह समझना कि भगवान आपको किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, चाहे आगे आपके चेयरमैन बैठे हो, चाहे पीछे आपके यहां का सामान्य कर्मचारी बैठा हो, चाहे मेरी व्यवस्था में लगे हुए साथी जो मुझे लेके आए वो बैठे हो, एक बात ध्यान रखना, कितने भी बड़े पद के हो और कितने भी बड़े ज्ञान के हो, जिस संस्थान में काम कर रहे हो उससे बड़े नहीं हो। अगर उससे बड़े बनने की कोशिश की तो संस्थान छोटा रह जाएगा और तुम समाप्त हो जाओगे। प्रधानमंत्री कल परसों बाहर से बोल के लौटे हैं तो प्रधानमंत्री के कुछ निंदक उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िए, देश में आप उनके खिलाफ प्रचार करिए, खूब एक दूसरे से तू तू मैं करिए, वो करते ही हो, मेरे कहने से क्या रोकोगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता, वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि होता है। उसके साथ जो व्यवहार होता है वो भारत के कारण होता है। और प्रधानमंत्री को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो सोचें कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोगों ने अपना विश्व भर में जाकर अपना पराक्रम सिद्ध किया, उस पराक्रम के प्रतिनिधि होने के कारण आपका सम्मान हो रहा है। क्योंकि हमारे बेटे बेटियों ने दुनिया में जाकर इतना अच्छा काम किया है
कि आप भी विदेश जाते होंगे, मैं जाता हूं कुर्ता पजामा पहनकर, मैं जाता हूं धोती पहनकर लंदन की ट्यूबलर में, तो ट्यूबलर में बैठा हुआ पड़ोसी मुझसे मेरा कपड़ा देख के पूछता है, कुछ हिंदुस्तानी फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो आश्चर्य में पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बड़े मुस्कुरा कर कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इस देश के प्रतिनिधि होने के कारण आपको आदर मिल रहा है। देखो आज से 75 साल पहले हम दो भाई एक साथ आजाद हुए थे। मुझे गर्व होता है यह कहने में कि दुनिया में हम जिस देश में भी गए, चाहे वीजा लेकर गए, चाहे नागरिकता लेकर गए, कितने गौरव की बात है कि उस देश के खिलाफ होने वाले किसी काम में किसी भारतीय का नाम नहीं आता। और अगली बात दुखद है, लेकिन आप हंसोगे भी और रोओगे भी। एक हमारा भाई आजाद हुआ था, दुनिया में कहीं कोई फजीता हो, कहीं कोई बम फटे, कहीं कुछ हो, बिना ढूंढे पता चल जाता कि इनके चार आदमी थे। ये क्या है? ये अंतर है क्रिएटिव होने में और डिस्ट्रक्टिव होने में। अगर टीम में आप कमियां ढूंढने लगो, ये खराब करता है, ये इसने ऐसे कर दिया, इस पर ऐसा नहीं हुआ, कोई काम नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हम संगठन से बड़े हैं, हमें जो काम सौंपा गया है इससे भी बड़े हैं हम। दो लोगों का मैं उदाहरण देता हूं जिनकी संगठन क्षमता ने यह बताया कि पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में रहकर भी आप भगवान बन सकते हैं। पहले तो राम, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज में, अपने साथ काम करने वाले लोगों में इतना भरोसा बोया है कि उनका हर व्यक्ति अपनी निजी महत्ता भूलकर उनके काम के लिए समर्पित हो चुका है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये सोफे पर बैठे हुए सीनियर्स के लिए बोल रहा हूं। आपकी साइट पर अभी केवल एक दरवाजा लगा है, उस दरवाजे पर, गेट पर बैठने वाले 15,000-16,000 का जो गार्ड है, उसके अंदर भी आपकी कंपनी को लेकर वैसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसी आपके अंदर है। और ये कहने से नहीं होगी बॉस, ये जिस दिन आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछ लोगे, उस दिन वो मानेगा कि सेठ की कंपनी नहीं है, मेरी भी कंपनी है, मेरा भी काम है। अबे टीम, भरोसा करना, जिसको जो काम सौंप दिया, सौंपने वाला उस पर भरोसा करे और करने वाला उसे ऐसा करे कि मुझे करके ही देना। सबसे बड़े टीम बिल्डिंग का काम मैं देखता हूं, एक 15 साल का लड़का है ब्रज में, इंद्र ने बारिश कर दी, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। उस 15 साल के युवक ने अपने साथ के सारे युवकों को इकट्ठा किया और ब्रजमंडल की अकेली पहाड़ी के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि पूरा ब्रज वहां चौमासे में 5 महीने जाकर बैठ गया, पानी को उतरना पड़ा और इंद्र को हारना पड़ा। इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब है इंद्र माने राजा। अगर राजा भी अहंकार में हो और आप सामान्य लड़के भी हो, अगर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बांध लिया, तो दुनिया के हर एक राजा को पराजित होना पड़ेगा और आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। ये जो टीम स्प्रिट है भगवान कृष्ण की, तो अगर टीम स्प्रिट आप में रही तो आप विश्व विजेता बन जाओगे। क्रिकेट देखते हो? देखते हो भाई, क्रिकेट देखते ही हो। सौरभ गांगुली से पहले हिंदुस्तान की टीम में वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन होता था, वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर होता था, वर्ल्ड का नंबर वन विकेट कीपर होता था, और हम वर्ल्ड कप में लीग में हार जाते थे, क्योंकि लोग बाग अपने पर्सनल कामों के लिए खेलते थे, लोग बाग खेलते थे स्कोर कितना हो रहा है। सौरभ गांगुली पहले कप्तान आए जिन्होंने कहा कि कोई भी हो, टीम के साथ खेलना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कपिल देव जी ने भी की थी, उस समय भी कुछ लोग अपना ही खेलते थे, टीम ने साथ खेलना शुरू किया तो हम विश्व कप भी जीतने लगे, एशिया कप भी जीतने लगे, चैंपियंस भी जीतने लगे। आज
चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का कोई क्षेत्र हो, बिना टीम के होगा नहीं। और यह शास्त्र कह गया है, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में आपकी रिलेशनशिप की, आपकी एसोसिएशन की शक्ति हो। तुमको 50 साल बाद तुम्हारा पोता कैसे देखे? लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना सच क्यों बोलते हो, प्रधानमंत्री आपके प्रशंसक हैं फिर भी आप सरकार की आलोचना कर देते हो, इतना सच क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूं कि आने वाले कल में आज जो मैं बोल रहा हूं ये डिकोड हो जाएगा। साइंस पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, साइंस में एक नियम है E=mc². हालांकि ये पहले हमारे शास्त्र में था, ऊर्जा न पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, वो केवल रूपांतरित की जा सकती है। यानी कि जो भी पृथ्वी पर बोला गया है वो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी आसमान में कॉस्मिक रेज के साथ। और अमेरिका इस पर काम कर रहा है 20 साल से, आवाजें सुनी गई हैं, उन आवाजों को साथ मिलाने का क्रम जारी है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे रहते या मेरे बाद, आपके रहते आपके बाद, ये सारी आवाजें डिकोड हो जाएंगी। जो छोटे बच्चे यहां सुन रहे हैं 20 के आसपास के, वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान उनकी आवाज में सुन पाएंगे, ये तय बात है। साइंस पहुंच चुकी यहां तक, आने ही वाली है। शुरू में अलग अलग अक्षर मिलेंगे, बाद में जोड़े जाएंगे, फिर एक सिचुएशन आ जाएगी, फिर कोई आपका छोटा सा मोबाइल नुमा कोई चीज आ जाएगी कि डाला सॉफ्टवेयर और पकड़ लिया। उस समय पूछा जाएगा कि कौन सच बोल रहा था, क्या सचमुच ऐसा कहा था कृष्ण ने, क्या सचमुच ऐसा कहा था गांधी ने, और फिर इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा। जो आज इतिहास के हीरो हैं हो सकता है वो विलेन बन जाएं, और जो विलेन है वो हीरो बन जाएं। मैं रोज सच इसलिए बोलता हूं कि 200 साल बाद जब मेरी बात डिकोड करके सुनी जाए तो मेरे वंश में पैदा होने वाला 5 पीढ़ी बाद का बच्चा कहे कि हमारे खानदान में ये आदमी था, ये सच बोलता था, सच्चाई के साथ था, इसने ये बात बोली। तो आज आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, ये 100 साल बाद आपकी पीढ़ियां आपसे बात करेंगी, आपके बारे में चर्चा करेंगी। तो आप ये लोग तो सुधारो, परलोक भी सुधारो। भाई किसी को पता नहीं है मरने के बाद कहां जाना है, एक ही बात पता है कि आप यहां रहने हो। जितने लोग चिंतित हैं, मुझको लंदन में एक सज्जन मिले, हमारे एक मित्र हैं, वो मिले मुझसे, मुझसे बोले कि कहते में भी शर्म आ रही है, आपसे एक बात पूछनी है, मौत से बचने की क्या तरकीब है? आप बताइए, पैसा कमा लिया है, चार्टर प्लेन ले लिए हैं, दुनिया भर में महल बना लिए हैं, लेकिन मन कर रहा है कि 185 साल हो जाए। मैंने उनसे कहा आपकी छोड़िए, ये तो रावण की नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, अकबर की नहीं हुई, एक तरकीब है। बोले क्या? मैंने वो तरकीब उन्हें बताई, आपको बता रहा हूं, आपको ठीक लगे तो बताना। मौत से बचने की एक तरकीब है, मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों की सोच में जिंदा रहो। अगर आपका पड़पोता कोई अच्छा काम करते हुए ये कहता है कि बाबा ऐसा कहते थे, जब जब वो अच्छा काम कर रहा है तब तब बाबा जिंदा हैं। अगर आपकी बेटी की बेटी की बेटी ये कहती है कि हमारी प्रणानी ऐसा कहती थी, आप जा चुकी हैं, आपका हीरा जा चुका है, आपका सोना जा चुका है, आपकी बनारस से आई 3-3 लाख की साड़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आपका संस्कार जिंदा है। सिग्नेचर के फ्लैट में रहते हुए सेठ जी अगर 50 साल बाद रहने वाला आपके दरवाजे को हिलाते हुए कह दे कि यार पता नहीं कौन आदमी था, ऐसा दरवाजा लगाया कि गया कि आज तक नहीं बदलना पड़ा, तो आपका काम हो सकता है बदल जाए, लेकिन आप जिंदा रहेंगे उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ। तो टीम बिल्डिंग, सच्चाई, ईमानदारी, और एक ये मानना कि मैं जिस काम के लिए भगवान ने चुना हूं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। आपके पास तो शिकायत का कोई मौका भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी बोला, फिर बोल रहा हूं,
दुनिया के सबसे संभावनाशील देश में आप इस समय हो। दुनिया के दूसरे देशों में मैं जाता हूं, वहां के एम्बेसडर से भी मिलता हूं, इतनी ज्यादा उम्मीद किसी देश से नहीं लगा रखी जितनी आपसे लगा रखी। आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है और आप कितनी बड़ी ताकत बन गए हो इस बात का अंदाजा आप इससे लगाओ कि चलते हुए रॉकेटों के बीच में, जलती हुई मिसाइलों के बीच में, चलती हुई तोपों के बीच में दो देशों की सेनाएं आमने सामने जूझ रही हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान का लड़का तिरंगा निकाल के दिखा देता है तो दोनों देशों के सैनिक यूक्रेन और रूस वाले रास्ता दे देते हैं कि चले। ये छोटी मोटी बात है क्या? आप पड़ोस का देश देख लो, आटे की समस्या हो रही है। जो पहले प्रधानमंत्री था उसकी क्या हालत की जा रही है उसका तय भी नहीं है। तो आप सबसे अच्छे समय में पैदा हुए, जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। देखो तुम्हारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। हमको ऐसा लगता है कि भारत में क्या कर लेंगे, लेकिन आप जनरेशंस देखिए। मेरे पिताजी 9 मील पैदल चल के स्कूल जाते थे, मैं शायद 1 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। मेरी बेटी ने कॉलोनी के उस मोड़ से गाड़ी पकड़ी तो उसे भी वो कहती है लाइफ में बड़ा स्ट्रगल था। तो स्ट्रगल के माने बदल रहे हैं। तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगह पे सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए, ये आपका सौभाग्य है, ये आपकी अच्छी बात है। और इसको जानने के लिए आपको किसी MBA की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो आपके माँ, आपकी दादी, आपके पिताजी, आपके बाबा जो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, उसे ही आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपको पता लगेगा सब कुछ यही है। अगर आप श्रम करेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे, अगर सत्य के साथ काम करेंगे, तो हो सकता है कि समय लग जाए लेकिन न्याय आपके साथ हो। बस आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो निकल ही नहीं रहा है। आपको धैर्य नहीं छोड़ना, वो निकलेगा। अगर सफलता पानी है तो 3 बातें रखना। पहली पेशेंस, धैर्य रखना कि समय आएगा तुम्हारा भी। दूसरी प्रेजेंस, अपने आप को दिखाते रहना काम में, घर मत बैठना, उदास मत होना, ऑफिस में बंद मत हो जाना, डिप्रेशन में मत आ जाना। और तीसरा परसुएंस, मैं कैसी नौकरी चाहता हूं, कैसी कंपनी चाहता हूं, ये खुद से और दुनिया से कहते रहना। ये 3 बातें, 3 P मिल गई तो सिग्नेचर की प्रोसेस कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस पढ़ो। एक अपॉर्चुनिटी छिन जाने पर रोने लगते हो आप लोग। IIT में पहले 100 में रैंकिंग नहीं आई तो कोटा में बच्ची आत्महत्या कर लेती है, बताइए। पार्षद का टिकट नहीं मिला तो जहर पी लेता है आदमी। कितना मूर्खतापूर्ण काम है ये, हमने तो करवा के देखा है। एक जरासी असफलता में आत्महत्या। और सोचिए कि जिस युवक को 16 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया का शासन मिलना था, शहनाई बज रही थी, पूरी अयोध्या में प्रकाश कर दिया गया था, लाइटिंग कर दी गई थी, पूरी दुनिया से अतिथि बुला दिए गए थे, राष्ट्राध्यक्ष आ गए थे, और अचानक शहनाई बंद हो गई और पिताजी ने अंधेरे कक्ष में बुलाकर कहा कि बेटा तेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुझे जंगल जाना पड़ेगा, अब ये महल और ये शासन भरत को मिलेगा। उस एक व्यक्ति ने अगर उस दिन अपने पिता का विरोध किया होता और कहा होता ऐसे कैसे चल जाएगी, ये क्या गुंडागर्दी है, हक मेरा बनता है, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, वो कुछ भी होते राम ना हो पाते। और ये पंक्ति सुनकर बताइएगा यहां बैठे हुए लोगों, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं, आपको कई बार ऐसी साइट पर काम मिलेगा, ऐसी जगह काम मिलेगा जहां चुनौतियां, जहां जंगल है, आप कहोगे गुड़गांव ही देता सेठ, कहां भेज दिया मुझे, कहां का सामान बनाने भेज दिया, कहां का बेचने भेज दिया। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक केवल युवराज राम कहलाए, और जब जंगल जंगल भटककर 14 साल बाद लौटे तो भगवान राम कहलाए।
इसका मतलब यह है कि जब तक चुनौतियों के जंगल को पार कर वापस नहीं लौटोगे, तब तक अपने काम के भगवान बनने की संभावनाएं जीरो हैं। मैंने आपसे जब बातचीत शुरू की तो पहला वाक्य मैंने ये बोला कि मैं 35 साल से मंच पे हूं। तो भाई साहब 35 साल बोलने में तो आधा सेकंड लगा, एक सेकंड में वाक्य खत्म हो गया। कितने साल से मंच पर हो जी? 35। खत्म। पर 35 साल 35 ही थे, सब में 365 दिन थे, सब में 365 रात थी और सब में 365 तरीके की चुनौतियां थी। उतना ही समय लगा, उतना ही संघर्ष लगा, उतने ही आंसू लगे। जो कविताएं मैंने आंसू बरसाते हुए लिखी थी वो मैंने मुस्कुराते हुए सुनाई और खिलखिलाते हुए उनसे पैसा और शोहरत कमाई। एक समय आता है जब आपके ऐब, आपकी गलतियां भी लोगों में आपके हीरोइक स्टेटमेंट बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन पर बात करते हुए क्या कहते हो? पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अमिताभ जी कहते हैं मेरी पहली 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि 11 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 12वीं फिल्म जंजीर पाने के लिए मेहनत बंद नहीं करी। अगर 11वीं फिल्म में उनके मन में आ जाता अब बेकार है, मुझसे नहीं होगा, चलो इलाहाबाद वापस, तो वो केमिस्ट थे कंपनी में, कलकत्ता की कंपनी में, आज की डेट में भी पैरासीटामोल बेच रहे होते हैं, अमिताभ बच्चन ना होते। मराठी के एक प्रोफेसर साहब का लड़का जो मराठी में एक कॉलेज में पढ़ाते थे बंबई में, वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलता था। और पिता ने कहा फेल कैसे हो गए बेटे? बोले जी पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में ध्यान है। पिताजी ने उसको एकेडमी ज्वाइन करा दी। उस समय के सबसे अच्छे टीचर आचरेकर साहब का स्टूडेंट बना दिया। आज आप जाइएगा महाराष्ट्र, मराठी में 10वीं क्लास में किताब है हमारे आदर्श, मराठी भाषा में, उसमें 8वें नंबर पर उसी 10वीं फेल लड़के का फोटो छपके उसके बारे में लिखा हुआ है, नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ये मैं इतनी सारी बातें उपदेशात्मक नहीं कह रहा, ये मैंने खुद जीकर देखी है, मैंने इस उपहास को देखा है। 3 बार मेरा जीवन में मजाक बना कि ये फेल हो गया और 3 बार मेरे मन में भी सवाल आया कि क्या मैं फेल हो गया, और मैंने हर बार ये सोचा कि इस असफलता में भगवान ने कोई बड़ी चुनौती और कोई बड़ी सफलता स्वीकार कर रखी है और वो मेरा प्रतीक्षा कर रही है। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो सोशल मीडिया से जानते हैं, टीवी से जानते हैं, वो जानेंगे। पहली, इंजीनियर ना बन पाना, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। 170 रुपए का फॉर्म भरा था मैंने IIT में और IIT में मैं 23 नंबर से सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने कम से कम 3 बार मेरी माँ के सामने कहा 170 रुपए लगा दिए। मैं फेल हुआ, नहीं हो पाया, पहली असफलता। उसने मुझे साहित्य की तरफ प्रेरित किया। दूसरी असफलता, प्रेम किया और लगा कि ये प्रेम जो है सफल हो जाएगा। सफल मतलब उस समय मैं यही समझता था कि सफलता माने विवाह, पता नहीं था। तब भी मुझे लगा कि दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। लेकिन मेरी कविताओं में जो सेंसिबिलिटी आई, जो उनमें रोमांटिक फ्लेवर आया, वो सिर्फ उस असफलता के कारण आया। 2010 से लेकर 2018 तक देश में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए दिन रात की मेहनत करी, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, कहा कि देश बदल देंगे। हम तो आगे नारा लगाते चले गए, देश बदल देंगे, जो पीछे 2 चल रहे थे वो खुद ही बदल गए। मुझे बहुत सारे नेता मिलते हैं जो चुपचाप कहते हैं एक दूसरे के कान में कि असफल हो गया। और आज इस हॉल में मैं आपके भविष्य की तो कह रहा हूं, अपने भविष्य की भी कह रहा हूं। अभी कहने लगे हैं, 10 साल बाद फिर कहेंगे कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि कुमार विश्वास बाहर हो गया, देश के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, समाज के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। करना ही है। अगर कोई चीज असफल हो जाए, कोई प्रोजेक्ट असफल हो जाए, तुमसे कोई काम ना हो पाए, तो समझना कि पूरे मन से कोशिश नहीं हुई और भगवान ने इससे बड़े काम के लिए तुम्हें सुरक्षित रखा है, अब उसकी तैयारी करनी है। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों, मुझसे वादा करो कि आज आप अपने इस स्थापना दिवस पर इकट्ठे हुए हो,
आज के सही 5 साल बाद जो स्थापना दिवस होगा, जहां टर्नओवर आज खड़ा है, इसके कम से कम 50 गुना से कम हुआ तो आप अपराधी हो, और ज्यादा हुआ तो मैं विजेता हूं। हमारी विजय तब है क्योंकि एक स्थिति के बाद इस पैसे का इन्हें तो कुछ करना नहीं, तुम्हें भी नहीं करना। 10-12 सब जानते हैं, पहले लगता था कि साहब वो घड़ी विदेश से ले आओ, चप्पल विदेश से ले आओ, अब कुछ नहीं है। अब तो 10-12 करोड़ कमाओ, वही जीवन जियोगे तो 10,000 करोड़ जीने वाला जी रहा है। सोने का बिस्कुट थोड़ी खाओगे, और बल्कि जिसपे नहीं है वो ज्यादा अच्छा खा रहा है, जिसपे है उससे पूछो, आलू मत खा, चीनी मत खा, है ये मत पी, कोलेस्ट्रॉल ऊपर है कि नीचे है, शुगर हो गई कि ये हो गई, रोटी में भी सीधी रोटी नहीं खाई जा रही, इसमें चना मिला ले, सोयाबीन मिला ले, ओट मिला ले, बाजरा मिला ले, 8 तरह के अनाज पीस के खाए जा रहे हैं। इसका मतलब अपने लिए तो नहीं जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? जो इस कंपनी में काम करने वाले 5,000-10,000 लोग हैं उनके लिए जी रहे हो। अपना तो हो चुका, सोफे पर बैठे हुए लोगों, तुम्हें जो कमाना था तुमने कमा लिया, अब यहां से आगे भगवान का काम कर रहे हो। इसलिए जिस आत्मा के साथ केदारनाथ में जाके माथा झुकाते हो ना, उसी आत्मा के साथ अपने केबिन में बैठकर इस कंपनी के लिए काम करना, यही सोच के काम करना कि भगवान के काम के लिए आया हूं। यह देश सरकारों से नहीं बना, यह देश नेताओं और पार्टियों से नहीं बना, यह देश मेरे और आपके जैसे लोगों ने बनाया। इसे मैं कहता हूं एकात्म पराक्रम। हमने अकेले ने पराक्रम किया। कोई मराठी के प्रोफेसर का लड़का बल्लेबाज बन गया, कोई ओमान के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला एक गुजराती आया, वो धीरूभाई अंबानी बन गया, कोई बड़नगर स्टेशन पे अपने बाप की चाय के कप पकड़ाने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन गया, कोई मठ में सुबह दोपहर शाम गोरख मंदिर में पूजा करने वाला एक योगी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, संघ की शाखा लगाने वाला एक प्रचारक आपके हरियाणा का मुख्यमंत्री बन गया, एक सामान्य अध्यापक का 5वां बच्चा कवि कुमार विश्वास बन गया। ये सब सरकारों की योजनाओं के काम नहीं थे, अकेले एक आदमी ने मेहनत की। उन्होंने नोएडा में खड़ा कर दिया, उन्होंने गुड़गांव में खड़ा कर दिया, पूरा भारत पड़ा हुआ है। देश के सारे सी कैटेगरी के शहर ए होना चाह रहे हैं, पूरा कंट्री प्रतीक्षा कर रहा है, कोई जगह छोटी बची ही नहीं है। हर शहर में नेटफ्लिक्स है, हर शहर में बड़ी गाड़ियां हैं, हर शहर में 5G पहुंच गया है, हर शहर में इनके साथ जो व्यसन होते हैं वो भी पहुंच गए हैं, और लोगों की घर में रहने की जो शौक है वो बढ़ गया है। जितना एक अच्छा मकान नोएडा में ये बैठे हैं बनाने में, जो कि मैंने बनाया इसने बताया, नोएडा में अच्छा मकान बनाने में जितने पैसे एक रायचंद लेता, रायचंद जानते हो, रायचंद आर्किटेक्ट, वो रायचंद है, वो बताता कि इधर से ऐसा होना चाहिए, इधर से ऐसा होना चाहिए, उसका अपना एक्सीलेंस है, उसकी अपनी कारीगरी है, वो एकदम सही बताता है, खुद में कभी नहीं बनाना चाहिए, उसी के काम से बनाना चाहिए, क्योंकि पहले तो आदमी ऐसे ही बना लेता था, इधर बाथरूम निकाल दे, खराब बनता था घर। जितने पैसे एक बनाने की राय देने वाला आर्किटेक्ट लेता है, उतने में आज से 10 साल पहले पूरा मकान बनता था। अगर आपको अच्छा घर बनाना है 10,000-20,000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें जितने पैसे आर्किटेक्ट आपसे लीगल ले लेता है, वेंडर से ना भी ले तो भी उतने पैसे में घर बन जाता था। यानी कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, लोग तेजी से लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ रहे हैं, अपर से हायर अपर क्लास में जा रहे हैं, और हायर अपर क्लास में फिर लोन लेके विदेश भाग रहे हैं। ये पूरा सिस्टम है। किस संस्कार और परिवेश से हिंदुस्तान के लोग निकले थे, और इन बड़ी राजनीति में बैठे हुए लोगों ने, इन बड़े जिसे कहते हैं व्यसनी लोगों ने, लालची लोगों ने देश का मानक बदल दिया। साहब गांव में बूढ़ा मरता था, गरीब बूढ़ा 80 साल की उम्र में,
बड़े बेटे को कान के पास बुला के फुसफुसाते हुए कहता था, 15 रुपए महेंद्र के भैया उसके दे दियो, बोलता था 30 रुपए बागपत वाले फूफा जी के उनके दे देना। फल वो ये चाहता था कि किसी का एक पैसा लेकर मैं मर ना जाऊं। मुझे कहते हुए इस बात पर रोमांच हो रहा है, मैं भावुक हो रहा हूं। हम इस संस्कृति से चले थे जहां मरने वाला बूढ़ा भी बुढ़िया भी कह के जाती थी, बुढ़िया कह के जाती थी बहुओं से कि लाली तेरी मौसी की जो बहू है उससे मैंने एक बार साड़ी ले ली थी, वो मेरे साथ चली आई थी, उसकी साड़ी वापस कर दी हो। ये हमने संस्कार बनाया था। और आज जो जितना ज्यादा पैसा मार ले सरकार का, वो उतना ज्यादा महान, वो उतना ज्यादा अच्छा। तो ये जो वायरस है, चरित्र का वायरस, ये जो नुकसान करेगा, ये कोरोना भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोरोना तो शरीर को ही मारता था, ये तो आत्मा को मार देता है। ये जो लालच आया है कि जो तिरंगा लेकर चले थे वो दारू की बोतल लेकर मिले, ये क्यों आया है? सोचो आप, इसमें ऐसा क्यों आया होगा? मैं तो बचपन से साथ हूं, क्योंकि बचपन में इनको ईमानदार बनाने में, इनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। माताजी मंच पर आई, मैं आपको बताता हूं, मैं जब छोटा था माताजी, तो मैं एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था, हमारे कस्बे में पहली बार अंग्रेजी स्कूल खुला। अंग्रेजी स्कूल मतलब गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, है ना। घर पे आके बच्चा शटअप बोलने लगे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, पहले सब टाट पट्टी वाले में पढ़ते थे, हम पहले अंग्रेजी स्कूल में भेजे गए। तो उन दिनों रबड़ जो आती थी वो नटराज की आती थी, लेकिन एक नई रबड़ आई थी जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पशु पक्षियों के बीच में रख के आती थी, देखी होगी शायद कुछ लोगों ने, गेंडे के बीच में, हाथी के बीच में, जिराफ के बीच में। मेरे को वो रबड़ बड़ी पसंद थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि दूसरी क्लास में था मैं, कि मुझे रबड़ दिला दो। 5 भाई बहन, 2 बुआ रहती थी घर पे, एक चाचा पढ़ता था, 1 तनख्वाह, कम में काम चलाना होता था। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, ये बहुत महंगी है, 2 रुपए की थी वो रबड़, और नटराज की रबड़ 15 पैसे की आती थी। उन्होंने कहा इसी से काम चलाओ, मिटाना ही तो है। नहीं मिली। 2-3 दिन बाद मैंने मेरी ही डेस्क पर बैठने वाले एक लड़के की रबड़ चुरा ली और मैं उसे घर ले आया। शाम को होमवर्क के लिए बैठा तो रबड़ दिखाई दी, हाथी के बीच में रबड़। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा ये क्या है? तो जब आप चोरी करते हैं तो फिर बहाना ढूंढते हैं, एक अपराध करिए तो दूसरा फिर करिए। मैंने कहा वो लॉन में पड़ी हुई थी, मैंने कई बच्चों से पूछी, किसी की थी नहीं तो मैं ले आया। वो चुप हो गई। रात को जब मैं उनके पास सोने गया, मैं उन्हीं के पास सोता था, सबसे छोटा था, लाड़ला था, तो उन्होंने मुझसे कहा उठाओ अपना सामान, बड़े वाले भाई के कमरे में जाके सो। मैं रुआंसा हो गया, छोटा बच्चा 7-8 साल का, 6 साल का रहूंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो जो रबड़ जिसकी लेके आया है ना, कल उसकी रबड़ वापस दे आना, फिर मेरे पास आके सोना। अगले दिन मैं गया, वो बच्चा जहां बैठा हुआ था मैंने वहां रबड़ गिरा दी, और मैंने उससे कहा कि अरे अंकुर तेरी रबड़ गिर गई। उसने कहा अरे मैं तो कल से ही ढूंढ रहा था इसे। तब मैं वहां वापस सो पाया। अगर उस दिन उस रबड़ को मेरी माँ ने कहा होता कि बहुत अच्छा अब इसे स्कूल मत ले जाना, पता ना चले किसकी है, तो मैं भी वहीं विश्राम कर रहा होता जहां मेरे साथ बचपन में पढ़ा हुआ एक आदमी विश्राम कर रहा है। कृष्ण जन्म स्थान में मैं भी वही आराम। पर मुझे 1.5 साल उस सरकार को चलाते समय भी पता था कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका कस्टोडियन हूं। इस कंपनी में काम करते समय इसके चेयरमैन और इसके कार्यकर्ताओं के बीच एक भाव रहना चाहिए कि हम इसके मालिक नहीं है, हम इसके कस्टोडियन हैं, हम मुनीम हैं, सेठ नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजवंश मेवाड़, वहां के महाराणा भी राजा नहीं लिखते, दीवान लिखते हैं, दीवान। वो कहते हैं राजा तो मालिक तो एकलिंग भगवान है, हम उसके मुनीम है कि इतनी जमीन दी है, इतना लगान आया, इतने खर्चे में हो गया, इतने यहां चला गया, इतने वहां चला गया। तो यहां बैठे हुए लोगों, पिछले 1.5-2 घंटे में मैंने जो बात बताई उनका हल केवल तभी निकल सकता है जब आने वाले कल में इस देश का जो नया सपना, इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री,
पूरे देश के सारी पार्टियों के लोग, सिद्धहस्त लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग देख रहे हैं, उस सपने में अगर थोड़े से ख्वाब आपने भी जोड़ दिए, तभी आप हिंदुस्तानी कहना के लायक हो जाओगे, भारतवासी कहलाने के लायक हो जाओगे।